अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी जीएम अगेन एक न्यू वीडियो में सभी को वेलकम। तो भैया आज ना सिर्फ अपना गेम प्ले जो है ना वो एंड लेवल गया, बाकी जो इस गेम के अंदर हुआ है ना वो आप लोग देखोगे तो मजा आ जाएगा। तो कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, पीक पे लैंडिंग। और यहाँ पे कुछ 400 बंदा उतरा है, तो एक बंदा हम लोगों ने यहाँ पे नॉक कर दिया है, फुली बॉडी स्प्रे मारा है। किंग फिशर ऊपर की साइड एक और बंदा, अरे M187 ले गए भाई, बंदा गुस्सा आया था लिटरली। अगर ग्लूल नहीं डालते तो अपना काम तमाम कर देता। 20 HP, लेकिन इसमें एमो बहुत थोड़ी रह गई थी। ऊपर वाले बंदों को, एक को तो अच्छा हेडशॉट मारा है और एक को बॉडी स्प्रे। तो गोलियां तलाश करने की यहाँ पे हम लोगों ने पूरी ट्राई करी थी कि किसी तरीके से एमो वगैरह मिल जाए। ओके, सामने एक बंदा, लो जी क्या ही एम लेके हेडशॉट मारे। एक और रेड टी शर्ट घुसे आ रहा है भाई, यहाँ पे टोटल 6 या 7 है। चलो वो भी किल कोई और ही ले गया, किसी और ने नॉक एंड फिनिश दिया था, बट कोई ना, यहाँ पे अपने को मिली है यहाँ से प्रॉफिल किंगफिशर। किंगफिशर बहुत तगड़ा गन है शॉर्ट रेंज में, लेकिन हम लोग फिलहाल M187 उठाते हैं और मेडिकेट वगैरह मार लेते हैं। अबे बंदे बहुत ज्यादा थे भाई, मेडिकेट के लिए थोड़ा सा कवर लेने की ट्राई करी, बट यहाँ पे चेक करो पीछे की साइड से किसी बंदे ने मार दिया। तो यहाँ पे हम लोग को जो है नॉक एंड फिनिश। बट अल्ट्रा प्रो जैसा बंदा जब आपके टीम में हो ना, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक दफा मरो या 10 दफा, भाई अल्ट्रा प्रो जब सरवाइव करते हैं तो इनके लेवल को कोई मैच नहीं कर पाता, इतना अच्छा सरवाइव। गैस अगर आप 10 दफा भी मरो ना, आपके पास अल्ट्रा प्रो जैसा सरवाइवर हो, तो अगेन आपको लास्ट जोन में भी रिवाइव मिलेगा। अगर चाहे वो रिवाइव कराते कराते खुद उनकी भाई किल्स कोई और ले जाए या जोन में मर जाए, फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने आपको रिवाइव करा देना है। तो भाई ऐसे सर्वाइवर की कब से तलाश थी, फाइनली मिल गया। तो भैया गेम आप लोगों को पता है कि आजकल हमारी किस लेवल पे होती है, आराम से 10-12 किल या 14 किल हो जाते हैं, इससे ऊपर ही होते हैं, नीचे का तो भाई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि एक दफा नहीं मरते, अगर 2 दफा मर जाए तो फिर भी काम हो जाता है, अपना रिवाइव हो जाता है। ओके गाइस, रिवाइव होके लूट कर ली, एक बंदा गया, जैन गेमिंग का यहाँ पे गाइस किल कंफर्म हो चुका है। एक और बंदा है ऊपर की साइड, चलो अच्छा शॉट, और वो भी गया। एक और, अबे कितने हैं यार, अच्छा शॉट, लो जी सोनिया लगी थी, बेचारे का कोई फायदा नहीं हुआ इसकी सोनिया का लगने का भी, हम लोगों ने इसका भी किल कंफर्म कर लिया। तो यहाँ पे गाइस अपने 5 किल डाउन हो चुके हैं और अभी भी 15 बंदे अलाइव है, यानी कि भुइया करने के लिए कम से कम हम लोगों को 6 से 7 और मारने पड़ेंगे, तब जाके अपनी ये गेम भी भुइया होने वाली है। सामने की साइड एक और बंदा आ रहा है, इसको पकड़ते हैं भाई, आई थिंक रिवाइव कर ही आ रहा है। चलो गया भाई ओपी, जैन का भी यहाँ पे हम लोगों ने किल कंफर्म कर लिए, लास्ट ही प्लेयर डुओ के बचे हुए थे, तो इसके साथ अपने किल्स की तादाद 6 हो चुकी है और 14 बंदे अभी तक अलाइव है। और शॉप से गए हम लोगों ने सुपारी वगैरह भी ले ली थी, क्योंकि बंदे मिल नहीं रहे थे, अभी तक सिर्फ 6 किल थे, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे आराम से 10-12 हो जाने चाहिए, बट बंदे मिले नहीं। तो जब बंदे नहीं मिलते तो हम लोग भाई सुपारी की तरफ जाते हैं, ताकि उनकी जो हिट लिस्ट है वो ले लें और बंदे लोकेशन शो हो। ओके, सामने की साइड 2 बंदे हैं, 2-3 अच्छे हेड शॉट भाई, यहाँ पे वो डुओ पूरा बैठा हुआ है और उस पर एम जाने से पहले वो अपने को बहुत गंदे वाला डैमेज करा देते हैं। अगेन अच्छा हेडशॉट, ओ हो क्या ही हेडशॉट लगे। एक और बंदा आया है, ये मरेगा भाई, ये अलहदा डू है छत वाला, तो अभी एक नॉक करा था बट वो आई थिंक रिवाइव करा देगा उसका टीममेट। ओनली बॉडी स्प्रे, चलो गया स्कार की भाई, 2-3 शॉट ही लगे और इसके साथ इसका भी किल यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया था, 7 किल यहाँ पे डन होते हैं और अभी भी 9 बंदे अलाइव है। यहाँ पे अल्ट्रा प्रो ने भी किसी को नॉक किया है और यहाँ पे सामने की साइड 2 बंदे हैं, बट यहाँ पे अल्ट्रा प्रो नॉक हो गए थे, तो भाई इनकी साइड जाने की ट्राई करे, अच्छा शॉट, और ये तो बिल्कुल भाई लग ही नहीं रहा, लग रहा है बिल्कुल ही न्यू प्लेयर है, फर्स्ट डे गेम के लिए आया है, या फिर इसका नेट वगैरह मस्तियाँ कर रहा था, कुछ तो था क्योंकि एक ही जगह पर रुक गया था। यहाँ पे लॉन्च पैड लगाया और ये मूवमेंट चेक करो, क्या मूवमेंट है भाई, अल्ट्रा प्रो को जिसने नॉक करा था वो टीम अप कर रहे थे, अल्ट्रा ने बोला कि इधर आके रिवाइव करा दो, बंदे टीम अप कर रहे हैं, चेक करो भाई, अल्ट्रा प्रो को भी जानते हैं भाई, अपना तो फिर क्या ही स्वैग है ना, तो इसलिए भाई बाकी फुल रिस्पेक्ट एंड प्यार इन भाइयों के लिए। भी 2 लाइन पोइट्री की मैंने लिखी थी, आप लोगों को सुनाऊंगा, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अब बाकी इन दोस्तों को कोई भी जानता है तो लाजमी से मेंशन भी कर देना भाई, फुल रिस्पेक्ट एंड प्यार, और ये 2 पोइट्री के लिए आपके लिए। जब नाम देखा उन्होंने खेल के मैदान में, दोस्ती का हाथ बढ़ाया दिल की पहचान में, फूलों से खुशबू और समा भरी मुस्कान, ऐसे खिलाड़ियों को दिल से सलाम।
ओके गाइस, जो लॉन्च पैड हम लोगों ने पहले उस साइड पे लगाया था, वो लॉन्च पैड लेके इस साइड पे आ गए। आजकल बंदे कुछ ज्यादा टीम अप वाले मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं लोग। ऊपर की साइड चलते हैं, ग्रेनेड से अच्छा डैमेज। चलो जी, एक तो गया बॉडी स्प्रे और अच्छा हल्का सा हेडशॉट लगा था, दूसरा भी इधर ही है। चलो इसका किल कंफर्म कर लेते हैं, ये ना हो जिसने टीम अप कर लिया है वो ही उठा ले। भाई ये बंदा क्या सस्ती। अच्छा यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था मैं कि किसको मारना है किसको नहीं मारना, किसने टीम अप करा हुआ है। बंडल्स की समझ नहीं आ रही थी भाई किसने कौन सा पहना हुआ है, ये भी थोड़ा सा होता है। बाकी मैंने सुना है भाई टीम अप करने से ना वो ग्रीना रैंक भी मैनेज करा देती है, तो थोड़ा सा ध्यान से यार। हम तो हर गेम के अंदर फैंस का दिल रखने के लिए कर लेते हैं टीम अप, नहीं मारते। अच्छा यहाँ पे मैं बहुत कंफ्यूज था, मुझे लगा वो है जिसने टीम अप किया था, बट कोई ना भाई, ये साफी जो है ना सस्ते नशे कर रहा था। तो हम लोगों ने MP40 से काफी तगड़े वाले हेड शॉट कराए और इसके साथ 10 किल डन हो चुके थे। टोकन वगैरह 1800 थे जो मैंने इसको दे दिए जिसके साथ टीम अप किया हुआ था। चलो अच्छा बॉडी स्प्रे और वो नॉक हो चुके हैं, तो टोकन वगैरह हमने इसको दे दिए थे। गाड़ी पकड़ के भाई सीधा गए और यहाँ पे भाई बहुत काम खराब हुआ है। चेक करना जरा क्या हुआ क्या था हमारे साथ। मैं चाह नहीं रहा था कि भुया इनको दें, बट भुया भाई चला गया, चेक करो कैसे चला गया। लो जी एम इस पे जा रहा था और इस चक्कर में भाई सामने वाले बंदे ने बहुत गंदा डैमेज करा दिया था। ग्लूवॉल भाई बिल्कुल, मुझे लग रहा था मेडिकेट लग जाएगी तो मैंने ग्लूवॉल दूसरे वाला डाला नहीं। तो यहाँ पे भाई जो बंदे हैं उन्होंने मार दिया था हम लोगों को, बाकी अल्ट्रा थे तो मुझे लग ही रहा था कि ये लास्ट जोन में जाके रिवाइव करा देंगे। तो क्योंकि बाइक थी भाई, चेक करो इन्होंने जाके लास्ट जोन में रिवाइव ही कराया है। लेकिन गाइस जितनी देर में इन्होंने रिवाइव कराया टोटल एक बंदा रह गया था लास्ट जोन में, 1v2 था, 10 किल अपने पास थे। लेकिन मैं चाह रहा था कि जो लास्ट वाला किल है ना वो अल्ट्रा प्रो को दिया जाए, तो इस चक्कर में भाई इनको किल देने के चक्कर में हुआ क्या है वो चेक करो जरा। बंदा बिल्कुल नीचे था, पहले मुझे लगा था शायद जिसने टीम अप करा है वो बचा हुआ था, लेकिन बाद में पता चला वो नहीं है। तो इसको मैंने हल्का सा डैमेज कराया था कि अल्ट्रा आके ना इनका किल ले ले, बट चेक करो हुआ क्या है। लो जी, एक तो इसकी रेंज ज्यादा थी, दूसरी हमने ग्लू होल नहीं डाली। 14-14, 15-15 का हेडशॉट लग रहा था, थॉमसन के 3-4 जरूर लगे हैं, बट रेंज ज्यादा होने की वजह से ना ये बंदा हम लोगों को मार गया है। अच्छा अल्ट्रा प्रो ने यहाँ पे डैमेज काफी अच्छा कराया था, लेकिन रीलोड आ गया था जिसकी वजह से ये भुया भाई सामने वाला ही ले गया। तो 10 किल के ऊपर गाइस ये वाला वीडियो यहाँ पे एंड होता है। लाइक एंड शेयर मार देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।